ग्रसित बच्चों की समस्याओं के समाधान को लेकर रोडवेज प्रशासन ने एक विशेष पहल की है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों के साथ ही उनके एक सहयोगी को अब रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिलने की भी उम्मीद है। चिकित्सा विभाग की अनुशंसा के आधार पर रोडवेज प्रशासन ने रोडवेज बसों में दुर्लभ रोगों से ग्रसित बच्चों के साथ उनके एक परिजन को निशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए प्रस्ताव भिजवाया है। रोडवेज प्रशासन ने परिवहन विभाग के मार्फत राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग से पीड़ित बच्चों के साथ उनके एक परिजन को निशुल्क यात्रा करवाने के लिए अनुशंसा की गई है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के रोगी की शारीरिक स्थिति अत्यधिक कमजोर होने के चलते एक सहयोगी का साथ होना जरूरी होता है और इसके लिए पिछले दिनों चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक के दौरान रोडवेज प्रशासन से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों की यात्रा पर हुए खर्च और उनके सहयोगी को अनुमति दिए जाने पर संभावित खर्च की जानकारी चाही गई थी। इस पर जवाब में रोडवेज प्रशासन ने बताया कि दिसंबर 2023 में इस रोग से पीड़ितों ने कुल 243 यात्राएं की थी। निशुल्क सुविधा देने पर इसका वित्तीय भार 23,554 रुपए रहा। अगर रोगी के साथ एक सहयोगी को भी निशुल्क यात्रा सुविधा दी जाती है तो इतना यानी कि 23,500 रुपए का अतिरिक्त भार प्रति माह आएगा। अब इसी के तहत रोडवेज प्रशासन ने परिवहन विभाग के मार्फत राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इससे पहले 2 मई 2021 से 14 श्रेणियों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है, जिसमें स्वलीनता, मल्टी स्क्लेरोसिस, इसके साथ ही प्रमस्तिष्क घात, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, बौनापन, हीमोफीलिया, अधिक रक्तस्राव के साथ ही तेजाब हमला पीड़ित, पार्किनास रोगी, बहु निशक्तता यानी कि अंधापन या फिर बहरापन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया, मांसपेशी दुर्विकार, सिकल सेल डिजीज, वाक एवं भाषा निशक्तता, इन श्रेणियों के रोगियों को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा है। इसमें थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, कैंसर रोगी के सहयोगियों को भी रियायत दी जाती है। सहयोगियों को किराए में 50% की रियायत मिल रही है। इन श्रेणियों के लोगों को राजस्थान रोडवेज की एक्सप्रेस बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। खास बात ये है कि इनके लिए राजस्थान राज्य की सीमा की भी बंदिश नहीं है, यानी राजस्थान के बाहर जाने वाली बसों में भी इन्हें निशुल्क यात्रा सुविधा मिल रही है। हालांकि निशुल्क यात्रा की सुविधा केवल एक्सप्रेस बसों या फिर रात्रिकालीन बसों में ही मिल पा रही है। सुपर लग्जरी वॉल्वो बसों में कोई रियायत नहीं दी जाती। तो अब इसी तरीके से रोडवेज प्रशासन ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों के मामले में भी राहत देने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।